नमस्कार दोस्तों, पी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। आपको मैं बिहार पुलिस की खबर दिखा रहा हूं, कितना तत्परता दिखाते हैं काम में। बिहार पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उक्त अपराधी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर के मोहम्मद शकूर उर्फ मुल्ली के पुत्र मोहम्मद इरशाद कैसर रहमानी के पुत्र मोहम्मद मोनू रहमानी तथा मोहम्मद खुश मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद नौशाद आलम के रूप में किया गया है। साथ ही एक पिस्टल, एक मैगजीन, एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 30,000 रुपया नकद भी बरामद किया गया है, जिसकी पुष्टि मुजफ्फरपुर के पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी वन के अभिषेक आनंद ने किया है। यह न्यूज अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कल दिनांक 13/7/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कांटी थाना में जो हमारी ओर हम सब की ओर से जो विशेष छापेमारी रोज वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए की जाती है, उसी दौरान 13 तारीख की रात को भी जो छापेमारी की जा रही थी उसमें वांछित अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई और जिस दौरान छापेमारी की गई कांटी थाने की टीम के द्वारा उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। उस अभियुक्त का नाम मोहम्मद इरशाद है। ये अभियुक्त कांटी थाने में कुछ कई कांडों में वांछित थे। इसके अलावा ये अभियुक्त जो है पहले भी बहुत सारे कांडों में कांटी थाना से जेल जा चुके हैं। इनको पकड़ने के बाद जब SHO के द्वारा बनाई गई जो विशेष टीम थी उसके द्वारा जो पूछताछ की गई उसके निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा पहले भी लूटपाट और हत्या की घटना और हथियार खरीद बिक्री का काम किया जाता है और इनकी निशानदेही पे फिर अन्य जगहों पे भी छापेमारी की गई कांटी थाना के द्वारा। उस छापेमारी में 2 लोग और गिरफ्तार हुए, जिसमें एक है मोनू रहमानी और दूसरे हैं नौशाद आलम। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया और इन दोनों को जब अलग अलग इनके घरों से और अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब उन जगहों की तलाशी ली गई तो वहाँ पे से हमारी टीम को एक पिस्टल, कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, एक खोखा और 30,000 रुपया कैश बरामद हुआ, जो कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो हथियार खरीद बिक्री ये लोग करते थे उसमें ये कैश यूज़ किया जाता था। और छापेमारी के दौरान ही एक मुख्य अभियुक्त भागने में फरार रहे, जिनके ऊपर भी पहले भी कांटी थाने में बहुत सारे कांड दर्ज हैं। इस प्रकार कांटी थाने के द्वारा जो ये विशेष टीम बनाई गई, जिसमें कि खुद SHO महोदय थे यहाँ के, उनके साथ एडिशनल SHO ललन जी थे, तनुजा, रजनीकांत, मोहम्मद मुस्तकीम और समस्त कांटी का जो थाना का कार्यबल था, इन लोगों ने मिलकर एक अच्छी उपलब्धि की और इसमें अभी जो भागने में एक अभियुक्त सफल रहे उनको पकड़ने की हमारी कोशिश जारी है। अन्य जिले में भी कई सारे अपराधी के इतिहास वगैरह है? अभी तक हमने जो इनका अपराधी के इतिहास खंगाला उसमें अन्य जिला का तो नहीं आया है, पर जो ये जो इनका नेचर ऑफ क्राइम है उसमें हत्या भी है, लूट है, रंगदारी का भी घटना है, तो इस तरह से ये लोग के ऊपर कई घटनाएं हैं और इनके पास चोरी का सामान भी इनके पास से बहुत सारा बरामद हुआ है, पहले भी हुआ है। और ये लोग जो ये सारे जो ये जो जो लोग पकड़ाए हैं और जो भागने में सफल रहा है, ये सब दामोदरपुर एरिया, कलवारी, ये सब जो क्षेत्र होता है वहाँ पे छिनतई, लूटपाट, ये सब की घटना को अंजाम देते हैं और हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रहे हैं कि इनके ऊपर अगर और भी कोई कांड है तो उसमें भी हम लोग इनको रिमांड पर लेंगे। अरे अभी जो ये पकड़ाए इन्होंने बताया कि ये लोग रेगुलर जो है ये सब घटना में इन्वॉल्व रहते हैं, ये लोग अपराध का, ये लोग हथियार खरीदते हैं, बेचते हैं, इसके अलावा लूटपाट भी कर लेते हैं, तो उसी दौरान इनके द्वारा जो बताया गया, इरशाद के द्वारा जो बताया गया उसी के बेसिस पे हम लोगों ने मोनू रहमानी, सोनू रहमानी जो 2 भाई है उनके घर पे रेड करवाया और नौशाद के घर पे भी रेड करवाया, वहां से फिर हमें ये सामान और ये अभियुक्त मिले और ये लोग के ऊपर पहले भी इस थाने में भी काफी केसेस दर्ज है। अभी तक हमें एक और अपराधी है जिनको हमें पकड़ना है और उसके अलावा ये अभी और पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोग और भी होंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि इसमें और इनके हथियार वाले रैकेट में और कौन लोग हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई। गिरोह ये लोग मिलके गिरोह ही हैं, जो कि कई जगह आप दामोदरपुर से लेकर इस पूरे क्षेत्र में ये लोग मिलके काम करते हैं, जिसमें ये लोग डराने धमकाने, हथियार के बल पर डराना धमकाने का भी काम करते हैं, तो ये गिरोह ही है। और इसके अलावा इस गिरोह में अगर और लोग भी होंगे हम लोग पता कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे।